क्या कर रहे हो जानवा? क्यों कर रहे हो आप? हाथ मत काट लेना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो है महारानी जी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये मुझे छोटे बच्चों की तरफ पकड़ ले रही है बार बार कि मैं इसके पास बैठूं तो नहीं डाले लूंगी। हुआ क्या है? बस इनकी नाक बह रही है। नहीं, मुझे चोट लग गई। जुकाम हुआ है और चोट भी लग गई। दिखाओ मेरा चोट। सुबह सुबह लग गई है। दिन ही खराब हो गया। सुबह लग गया ना, दिन खराब होगा। सुबह आपने देखा ही मैडम को सब्जी काटते हुए। ये देखो अभी क्या कर रही है। मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने। आलू उबाल के रखे हैं, आलू ये ठंडे होने के लिए रखे थे, तो ये आके छीलना चालू कर दी। मम्मा की हेल्प करने आ जाती है ना जानू? और वो फोन में पड़ी रहती है जी। वो छोटी थी ना, वो भी आती थी हेल्प करने। आप भी जब बड़े हो जाओगे ना, तब नहीं आओगे करने। अभी कर रहे हो? आओगे? तो इसके पापा गए हैं और राहुल चाचू गए हैं बाहर। हाँ, राहुल आए हैं, बता रहा हूँ आप लोगों को। मम्मी तब तो आप आराम करोगी। तो ये लोग गए हैं बाहर थोड़ा कुछ सामान वगैरह लेने। आज इन लोगों की ट्यूशन की छुट्टी करवाई है क्योंकि जिया की तबीयत सही नहीं है। थोड़ी बहुत इसकी भी सही नहीं है, जिया को जुकाम वगैरह हो रखा है, तो रेस्ट पे है। मम्मी जा चुकी है अपने घर, अपने घर। कुछ लोगों को ज्यादा चुल मच रही है मेरे मुंह खोलने से। अबे इतनी ज्यादा चुल मच रही थी तो बैठ के बात करना चाहिए था ना। बैठ के बात नहीं किया, किसी की सजा है ये। यही सुनना पड़ेगा तुमको सब कुछ। जिस लैंग्वेज में आके जवाब देता है ना, उसी लैंग्वेज में आके सामने जवाब दे, तब मैं जानू कि तू कुछ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 3, शाम कह लो दोपहर कह लो, 3 बज रहे हैं अभी। बीच वाला और मौसम भी गड़बड़ सी हो रही है। मैंने अभी अभी अपनी साड़ियाँ धो के डाली हैं, ऐसा ना कि फिर हाथ से धोए जल्दी से सूखेंगे भी नहीं। तो सुबह से मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कल के व्लॉग में, कमेंट्स तो लोगों ने देखे ही होंगे। लोगों को क्या है ना कि चुल मच रही है, क्योंकि 10-15 दिन मैंने पहले कहा था कि मैं किसी के वीडियोज़ में अब न झांकने वाली हूँ, किसी की वीडियोस न देखने वाली हूँ कि मुझ पे कोई नेगेटिविटी का असर हो। तो मैंने वो चीज़ बंद कर दी, तो लोगों ने नया तरीका ढूंढ लिया। वो ही मेरे व्लॉग्स में घुस घुस के सब देखेंगे और मेरे से कैसे सींग भिड़ाया जाए, इसके लिए आके कमेंट में ड्रामेबाजी करेंगे। तो इन लोगों से रिश्ता तो मैं पर्पसलेस, इस इंसान से तो मैं रिश्ता ख़त्म कर ही चुकी हूँ। इस इंसान के बारे में मेरे को बात कुछ करनी नहीं है, लेकिन अगर ये सोचेगा कि ये बकवास करेगा मेरे बारे में तो मैं चुप करके सुन लूँगी, तो नहीं, मुँह तोड़ के जवाब दूंगी मैं। तो ना बोल, ना बोलने का मौका दे, सीधी सीधी बात। तो साइड करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा इसको फुटेज मिल गया है अभी तक, अब और ज़्यादा नहीं देनी हूँ। क्यों? कोई जरूरत नहीं, चलो जाओ। तो ये दोनों भाई गए हुए हैं ऑफिस, राहुल भी नहीं के ऑफिस गए हुए हैं, कुछ काम था दोनों को। ये दोनों पता नहीं कब आएंगे। और खाने में मैंने बनाया है पम्पकिन की सब्जी, जो कि किसी को पसंद नहीं है मेरे अलावा, और मैंने थोड़ी सी तीखी भी कर दी है। अब कोई खाएगा नहीं, सारे के सारे ड्रामे करेंगे।
मम्मी बुला रही है अपने पास। कहने का लोग कह सकते हैं कि वो क्यों बुला रही है, वो भी तो यहाँ आ सकती, आती ही है। तो वो तो हमारी मर्जी है ना, हम यहाँ मिले, वहाँ मिले, कहीं भी मिले, लोगों को इससे क्या। मेरी मर्जी होगी मैं जाऊँगी, वैसे भी मेरे को उधर कुछ काम है। हमारे एक टेलर भी है, वहीं रहते हैं, तो उनसे कुछ काम है। और ये जो दिख रहा है ये भी कराने का है, बहुत गंदा दिख रहा है। और बच्चों को भी जाने का मन है। सच पूछो तो मुझे किसी से मिलने का कोई इच्छा नहीं है। जिन लोगों को मेरे से मिलने की इच्छा नहीं है, तो मुझे भी जाहिर सी बात है किसी से मिलने का कोई इच्छा नहीं है मेरे को। मम्मी बोलती रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये आप लोगों ने खुद ब्लॉग में देखा है। वो बोलती रहती है कि आना आना, तो देखते हैं। अभी तय नहीं है, जाऊंगी और देखते हैं। तो जा रही मैं अपनी माँ के घर। इतना जो मुझे धमकी और हेट दिखाया जा रहा था, देखती हूँ कौन क्या बिगाड़ लेता है मेरा। घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी से। पीछे में भौंकने के लिए बहुत कुछ रहता है, मुंह पे कौन क्या भौंकता है वो भी देखना। बांध रही है, मैं बोल रही हूँ चलने के लिए। अब तो बांध के यहीं बैठी रहेगी। चल ने मेरे लिए गेट खोला। जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने। मम्मी के पास गई थी तब वो दीदी थी नहीं, अभी आई है तो उनका कॉल आया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं गई थी मम्मी के पास, तो उम्मीद मुझे किसी से भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज होती है ना जो खटकती है, वो खटकी मेरे को कि जब मेरी बुआ थी तो उनको खिलाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, और मेरे को एक गिलास पानी तक देने में लोगों को दिक्कत हो रही थी। एक गिलास पानी जो राह चलते किसी को दे देते हैं, व्रत त्योहार में लोग रोड पे खड़े होकर बांटते हैं, हमें नहीं पता होता रोड पे कौन आ रहा है जा रहा है, उसको भी देते हैं। और लोग ढोंग करते हैं महीने भर व्रत रखने का, ढोंग कुछ नहीं मिलने वाला इस ढोंग से। क्योंकि बहुत दिल दुखाया कल भी और आज भी, बहुत दिल दुखाया। और अगर मेरा मन सच्चा होगा ना, तो इस दिल दुखाने का नतीजा तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा। मैं झूठी होंगी तो मैं भुगतूंगी, अब तुम लोग होगा तो तुम लोग भुगतोगे। क्योंकि हर्ट करने की किसी को ना एक लिमिट होती है, बर्दाश्त करने की भी किसी को एक लिमिट होती है। वो बर्दाश्त करने का लिमिटेशन जो है ना मेरा पार हो चुका है। और मैं बोलूंगी किसमें कितना दम है ना, मुझे रोक के दिखा दे। अब तू मुझे तभी रोक सकता है जब मुझे मार देगा, ऐसे नहीं रोक सकता। हाइपर नहीं होना चाहती मैं, पर कोई नहीं, जो हुआ ना अच्छा हुआ। ये वो लोग हैं जिनको अपने हाथों से बना बना के मैंने खाना खिलाया है, इनके गेस्टों को मैंने बैठा बैठा के इज्जत दी है इज्जत। ये वो लोग हैं जिनको एक गिलास पानी देने में इनकी हैसियत खत्म हो गई, खत्म।
अब वो भी जहाँ से पानी आता है ना वो आरओ, वहाँ मेरा पैसा लगा हुआ है। बोलने वाली बात नहीं है ये, लेकिन उसमें मेरा पैसा लगा हुआ है उसमें भी। वहाँ से एक गिलास पानी देने वाला उस घर में कोई नहीं था, ठीक है। और जिसके बच्चे को नजर लग जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, तो भाई अपने बच्चे की नजर उतार लेना, क्योंकि मैंने उसको गोद में भी नहीं लिया, छुआ भी नहीं, ठीक है, क्लियर कर रही हूँ। और हाँ, जिस भी किसी को बहुत ज्यादा आपत्ति है मेरे वीडियो से, वो प्लीज मेरे आईडी में घुसने की कोशिश ना करे। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है देखने से सुनने से, तो घुस के देखने क्यों आते हो? जब मेरी आईडी खोलोगे तभी तो कुछ दिखेगा ना तुम्हें, तो क्यों आते हो देखने? तेरी बीवी की आईडी से मुझे दिक्कत होती थी तो मैंने घुसना बंद कर दिया, तकलीफ बंद। तो तू क्यों आ रहा है इधर मुंह मारने के लिए? मत आ, जिसको तकलीफ है वो आगे जाए, इधर टिके ना रहे। Thank you.